दोस्तों आज हम बात करेंगे माता सीता के जन्म के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रामायण में माता सीता और प्रभु श्री राम को विशेष रूप से पूजा जाता है। श्री राम जी के जन्म के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन माता सीता का जन्म रहस्य है। आइए जानें उनके जन्म से जुड़ी कुछ बातें। रामायण को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसकी सभी पात्रों का अलग महत्व है। प्रभु श्री राम को हम भगवान के रूप में पूजते हैं और माता सीता को उनके साथ हमेशा पूजा जाता है। माता सीता प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी हैं और महाराज जनक पुत्री की बेटी थी। उन्हें लक्ष्मी जी का अवतार भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब विष्णु जी के अवतार के रूप में भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया, तब माता सीता ने लक्ष्मी जी के अवतार के रूप में जन्म लिया। उनकी महिमा ऐसी है कि आज भी प्रभु श्री राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। यदि हम माता सीता के जन्म की बात करें तो आज भी उनके जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। सीता जी का जन्म एक रहस्य है। उन्हें दोस्तों माता सीता के जन्म के का रहस्य के बारे में पता करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता भगवान जनक की जमीन से नीचे मिली थी। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार राजा जनक के समय में एक बार मिथिला समय में अकाल पड़ गया था। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा, जिससे वर्षा ही और उनका कष्ट दूर हो जाए। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक ने अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे, तभी उनके हल की नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान खुदाई हुई तब एक कलश मिला जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश में से बाहर निकाला और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। जनक जी की पत्नी उस समय निसंतान थी, इसलिए बेटी को पाकर वो बहुत अत्यंत प्रसन्न भी हो गई। चूंकि हल के उस हिस्से में टकराया माता सीता मिली, जिसे सीत कहा जाता है, इसलिए ही इनका नाम सीता रखा गया। वहीं जनक पुत्री के रूप में उन्हें जानकी कहा जाता है। दोस्तों यदि माता सीता के जन्म की बात करें तो एक और प्रचलित कथा है जिस पर शायद ही यकीन हो। दरअसल रामायण के अनुसार रावण ने कहा था कि यदि उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। तो इसी बात को सही साबित करने के लिए एक बार मृतमग्ध नाम के ऋषि लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश से अग्र भाग में एक कलश में दूध की बूंदे डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में मौजूद नहीं थे तब रावण वहां आया और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। इस कलश को रावण ने अपने महल में छिपा दिया। उस समय रावण की पत्नी मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी। एक दिन जब रावण महल में नहीं था तब मंदोदरी ने उस कलश को खोल कर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर उसमें रखा हुआ रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। मंदोदरी का यह भेद किसी को पता ना चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस प्रकार सीता जी का जन्म हुआ और वो रावण की पुत्री होने के साथ उनकी मृत्यु का कारण भी बनी। दोस्तों सीता जी की तो बहुत कथाएं प्रचलित है, लेकिन तीसरी कथा मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं
वीडियो को समाप्त करती हूँ, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।